सो हेलो बच्चों, इन टुडेज सेशन, इंटरेस्टिंग सेशन, वंडरफुल सेशन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट वन। एंड बिफोर वी स्टार्ट दैट, या सो बिफोर वी स्टार्ट दैट सेशन, समथिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस इन माई लाइफ दैट आई वुड रियली लाइक टू शेयर। द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। अगर सोच लोगे कि वह मुझसे नहीं होने वाला, खुद को तुम नेगेटिव पाओगे और तुम्हारा ब्रेन सिर्फ मल्टीप्लाई और ऐड करता है। अगर तुम अच्छा सोचोगे तो ब्रेन उसको मल्टीप्लाई और ऐड कर देगा, बुरा सोचोगे तभी भी उसको मल्टीप्लाई और ऐड कर देगा। ब्रेन कभी डिवाइड और सबट्रैक्ट नहीं करता। तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड हर एक चैप्टर मेरे साथ करते चलो बेटा। इफ यू कीप डूइंग इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, नथिंग विल गो रॉन्ग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, फालतू का टाइम वेस्ट मैं कभी करता भी नहीं बच्चों। मैं एक ही चीज बिलीव करता हूँ, मस्ती करो तो फुल मस्ती करो, पढ़ रहे हो तो मस्ती भी करो, लेकिन टॉपिक पे रहो बच्चों। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर टू ऑफ योर साइंस बी, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिविजन। एंड द टॉपिक ऑफ टुडे इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। तो टुडे विल बी लर्निंग अबाउट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, लेट अस सी व्हाट इट कंप्राइजेस। तो रिविजन क्लास है बच्चों, सो बहुत बेसिक है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, सो वी सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मटीरियल्स। एंड द क्वेश्चन दैट इज जनरली आस्क्ड अ लॉट, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इट इज दैट वी नीड टू वर्क, काम करने के लिए क्या चाहिए। तो एक ही चीज है आंसर, एनर्जी। लेकिन ये आधा सच है, ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच क्या है वो आज के लेक्चर में आपको क्लियरली मालूम पड़ेगा। एनर्जी अकेली काफी नहीं है, मेरे लिए तुम काफी नहीं हो। एनर्जी अलोन इज नॉट इंपॉर्टेंट, एनर्जी इज इंपॉर्टेंट बट अलोन, ओके, अलोन इज नॉट The only thing in life processes. Energy के साथ साथ बाकी चीजें भी होती है, okay? That also we should know. But even though that is secondary, the primary अब मुद्दे पे आते, goal पे आते हैं बच्चों। So energy की बात की मैंने। Energy आपको मिलता है food से, बराबर कि नहीं? अब आपको भागना है, अब मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो। So where does this energy come from? And we know that it is nothing but our food that we eat. डिफरेंट डिफरेंट फूड मटीरियल, सब देख के मुंह में पानी आ गया, डोसा पड़ा है इधर, क्या क्या पड़ा है। सो देयर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड बच्चों, सो देयर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड बच्चों। व्हाट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है, दैट इज नथिंग बट आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट्स, इट कैन बी प्रोटीन्स, इट कैन बी फैट्स, दे ऑल आर न्यूट्रिएंट्स बच्चों। जिन बच्चों को कम मिलता है या उस लेवल पे नहीं मिलता, जैसे गरीब देश हो गया, कोई पॉवर्टी ड्रिवन देश हो गया, वहां पर खाने में प्रोटीन का इंटेक बहुत कम होता है, फैट्स का इंटेक बहुत कम होता है, तो वैसे बच्चे बच्चों माल न्यूट्रिश्ड होता है। माल न्यूट्रिशन के बारे में आपने सुना होगा। तो बच्चों न्यूट्रिएंट्स आपको जो सिलेबस में पढ़ना है उसको हमने दो तरीके से कैटेगराइज किया, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में आता है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, जिसके बारे में आपने बहुत सुना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कम सुनने में आता है, लेकिन दिस ऑल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी। नाउ फीड द फूड दैट वी ईट नीड टू बी डाइजेस्टेड। सो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट तुमने खाया, रोटी तुमने खाई, चावल तुमने खाया, वो ब्रेक होता है इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन टू ग्लूकोज, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है बॉडी का, ग्लूकोज। इसीलिए देखो इवेंचुअली क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो इवेंचुअली आपको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। इसीलिए जब थक जाते हो बहुत ज्यादा, इसीलिए जब बहुत ज्यादा तुम लोगों को है ना ऐसा लगता है बाहर घूम रहे हो धूप में, बहुत ज्यादा तुम लोगों को थकान महसूस हो रही है, तो तुम गन्ने का जूस पीते हो, क्योंकि दैट इज अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज डायरेक्ट ले लेते हो तुम अंदर ही, डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं उसको। तो व्हेन यू ब्रेक कार्बोहाइड्रेट वी गेट ग्लूकोज, when you get break protein you get amino acids, and when you break fats you get fatty acids and alcohol bachcho. So ye objectively kafi important hai, aage bhi tumko pata hona chahiye iske bare mein. So ye chart hai iska, carbohydrate jab break down hota hai to we get glucose, proteins when it break down you get amino acids, and fats when you break out it gives you fatty acids and alcohol. Daru 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 jo na piye usko maru, sir daru alcohol kaise aa gaya, बताएंगे सब बताएंगे आपको, डिटेल में बताएंगे। अब आज अपन जो कर रहे हैं बच्चों, एक चीज समझ लो बच्चों,
मैंने बोला आपको एनर्जी मिलती है फूड से, एकदम सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन बच्चों एनर्जी अकेला फूड से अपने को नहीं मिलता, फूड के साथ जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑक्सीजन। और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों चाहिए हमको, इससे हम क्या ही कर लेंगे, ये हम आगे देखेंगे बच्चों। लेकिन एनर्जी हमको अलॉन्ग विथ फूड यूनिटी गेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना आप ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे, आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे फूड को एनर्जी में। तो इसका इंपॉर्टेंस भी हम एक चैप्टर में पढ़ने वाले बच्चों, रिविजन क्लास में पढ़ने वाले हैं। हाउ विल दिस न्यूट्रिएंट्स गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल, नाउ दैट इज आंसर इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड होता है, ठीक है, व्हाटएवर यू पिक फूड दैट यू टेक इन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन ऊपर बाइंड करता है तो हर एक बॉडी पार्ट में ट्रेवल करता है, राइट, दैट वी नो, दैट इज समथिंग दैट इज, सी दिस इज अ रिविजन क्लास बच्चों, इसमें डिटेल में एकदम मैं आपको जितना का मुद्दे की बात है वो आपको बताऊंगा, कम टाइम में आपका मैक्सिमम रिविजन कैसे होगा बच्चों। तो पहले हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो आज के लेक्चर में बच्चों ना मैं पेज नंबर 16 और 17 की बात करूंगा, पेज नंबर 16 एंड 17, उसके बाद मैं आगे आऊंगा। तो पहले जो एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैंने बोल लिया है, ये चैप्टर को मैं सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं सबसे फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर मैं आपको पेज नंबर 16 और 17 के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको आगे का बताऊंगा और फिर लास्ट का। सर इतने विचित्र क्यों आप, ऐसे क्यों हो सर आप, बस यार तुमको एक फ्लो मेंटेन होगा, तुमको मजा आएगा पढ़ने में। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट का सोर्स बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया क्या क्या सोर्स है, तो आपके सीरियल्स हो गए, आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, आपका मिल्क एंड शुगर हो गया, आपका पोटैटो हो गया, आलू ले लो, आलू डालो सोना निकलेगा, तो पोटैटो स्वीट पोटैटो हो गया। तो ये सब आपके सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के। अब बच्चों ऑब्जेक्टिव के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, हाउ मच एनर्जी डू यू गेट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो बच्चों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको मिल सकता है 4 किलो कैलोरी एनर्जी। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 स्टार मार दो इसके ऊपर, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपको 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्रोटीन्स। बच्चों प्रोटीन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके सो प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रोटीन्स के बारे में बात समझना बेटा थोड़ी थोड़ी। अब प्रोटीन, किसी वेजिटेरियन को प्रोटीन चाहिए तो वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन इज पल्सेस। जब दाल वगैरह खाते हो, मम्मी बोलते दाल खा ले, आप बोलते नहीं खाऊंगा मैं तो पिज्जा बर्गर खाऊंगा, है ना, हम तो पिज्जा बर्गर खाने हैं हमको, तो ये पल्सेस होते हैं, प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं, तो खाने चाहिए बच्चों। मैं भी नाटक करता हूँ खाने में, तुम भी करते हो, तो कोई बात नहीं खाया करो। बट नॉन वेज सोर्स है बच्चों प्रोटीन के, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इसीलिए वेजिटेरियन लोगों को ज्यादा वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत सारी डिशेज है, लेकिन नॉन वेज फूड में बहुत ज्यादा लेवल में प्रोटीन होता है बच्चों। तो नॉन वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मीट, एग एंड एनिमल प्रोटीन को बोलते हैं बच्चों। जो एनिमल सोर्स है प्रोटीन का उसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन। बाकी सब फर्स्ट क्लास है कसम से, बाकी तो सब फर्स्ट क्लास है और कसम से। तो एनिमल प्रोटीन आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन। अब ऐसा क्यों, व्हाई आर एनिमल प्रोटीन कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन बच्चों? क्योंकि दे आर चीप एंड इजी टू डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। उसके बाद व्हाट आर प्रोटीन्स, अब प्रोटीन चैप्टर में हमने तुमको पढ़ाया मैंने, प्रोटीन इज नथिंग बट अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो जब प्रोटीन खाते हो तो ब्रेक किस में होता है, अमीनो एसिड्स में। ओके, एंड ये अमीनो एसिड्स ही साथ में बाउंड करके, ये अमीनो एसिड ही सब साथ में जुड़ के, जब से तेरे नैना मेरे नैनो से लागे रे, तो ये अमीनो एसिड्स सब बाउंड हो रहे साथ में और ये बना रहे प्रोटीन्स बच्चों। तो अमीनो एसिड्स कम टुगेदर, दे फॉर्म अ चेन, इट इज कॉल्ड प्रोटीन। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। So do you remember what these bonds between amino acids are called? Revision, chapter number 1 से. The amino acids के बीच जो bond होता है उसको बोलते हैं peptide bond. Very, 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 very important bond. Now question is, how much energy do you get from proteins? तो carbohydrate के 1 ग्राम से आपको मिल रहा था बच्चों, carbohydrate के 1 ग्राम से आपको मिल रहा था 4 किलो कैलोरी। अब प्रोटीन से आपको मिलता है अगेन 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। Very important objective बच्चों, very important objective. Okay, so 1 gram of protein gives you 4 kilocalories of energy. Obviously protein को जब digest करोगे तो break होता है into amino acids, ये आपको पता होगा बच्चों. Okay, so when you break down protein, you get amino acids. After digestion you get amino acids. Now these acids will be transported to all the body organs via blood, ठीक है, और जा करके
अलग अलग जगह के अलग अलग प्रोटीन्स को बनाएंगे, जैसे ब्लड में जाकर क्यों बनाएंगे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड में जाकर क्यों बनाएंगे, हीमोग्लोबिन एंटीबॉडीज बनाएंगे, स्किन में बनाएंगे मेलानिन केराटिन, बोन्स में बनाएंगे ऑस्टिन, ठीक है, ये प्रोटीन है बोन्स के, सेल्स में जाकर के मेम्ब्रेन्स बनाएंगे, एंजाइम्स बनाएंगे जो आपके डाइजेशन को हेल्प करता है फास्ट करने में, पैनक्रियास में जाकर बनाएंगे वो इंसुलिन ट्रिप्सिन, इंसुलिन बहुत ज्यादा काम आता है बच्चों डायबिटीज में, आपने सुना होगा इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन का लेवल अगर कम हो गया डायबिटीज हो जाती है, ट्रिप्सिन डाइजेशन में हेल्प करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए बहुत सारे हॉर्मोन्स बनाएगा और मसल्स के लिए वो एक्टिन मायोसिन बनाएगा बच्चों, तो ये अलग अलग जगह पे, तो होता क्या बच्चों प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है इनटू अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड अलग अलग जगह पे जाएगा, तो ब्लड में जाएगा तो हीमोग्लोबिन बनाएगा जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, एंटीबॉडीज बनाएगा जो फाइट करता है वायरस से, स्किन में जाएगा तो मेलानिन बनाएगा, जितना ज्यादा मेलानिन उतना ब्लैक स्किन, केराटिन जो नेल्स में होता है प्रोटीन्स वगैरह, हेयर वगैरह में प्रोटीन्स होता है सॉरी क्या, एंड बोन्स में ऑस्टिन, तो ये अलग अलग जगह पे जाकर के अलग अलग प्रोटीन बनेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 16 पे है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको याद करने का सिंपल ट्रिक क्या है सर, बीबीसी एमपी स्क्वायर, बीबीसी एमपी स्क्वायर, बीबीसी एमपी स्क्वायर, अरे सारे बोल लो बीबीसी एमपी स्क्वायर, बीबीसी एमपी स्क्वायर, तो अमीनो एसिड्स बच्चों अलग अलग जगह पे जाकर के विद द हेल्प ऑफ ब्लड इट फॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन, जैसे बी फॉर ब्लड, बी फॉर बोन, सी फॉर सेल, एम फॉर मसल्स एंड पी स्क्वायर, एक पी आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, एक पी आ गया पैनक्रियास के लिए, बाकी स्किन का तो तुम याद कर लो यार मेलानिन एंड केराटिन, तो बीबीसी एमपी स्क्वायर, बीबीसी एमपी स्क्वायर, बीबीसी एमपी स्क्वायर, तो प्रोटीन ब्रेक हो रहा है इनटू अमीनो एसिड्स, ब्लड की मदद से इधर उधर जा रहा है वो, इधर उधर जा रहा है और अलग अलग चीजें बना रहा है, ब्लड में बना रहा है हीमोग्लोबिन एंटीबॉडीज, स्किन में ये सब बना रहा है, तो ये सब चीजें बच्चों जो आपको याद रखनी है, बीबीसी एमपी स्क्वायर, बी फॉर बोन, बी फॉर ब्लड, सी फॉर सेल्स, एम फॉर मसल्स, पी स्क्वायर, तो एक पी जाएगा पेनक्रियास के लिए, एक पी जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, और एक स्किन बच गया वो तो आपको पता है मेलानिन एंड केराटिन, चलो ठीक है, तो नाउ ये तो आपको क्लियर हो गया इधर तक कि प्रोटीन्स के बारे में, नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू ईट लॉट ऑफ प्रोटीन, तो इस साल के लिए ये वाला ऑब्जेक्टिव ओमिटेड है, जो बॉक्स है ना वो ऑलवेज रिमेंबर वाला वो ओमिटेड है, बट नॉलेज के लिए याद रखना, एक्सेस प्रोटीन को एलिमिनेट कर देता है बॉडी में से अमोनिया के फॉर्म में, बॉडी क्या बोलता है चल निकल, पहली फुर्सत में निकल, तेरी कोई जरूरत नहीं है, बॉडी ऐसा बोलता है उसको, ठीक है, तो लिवर समटाइम्स यूजेस एक्सेस प्रोटीन्स टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस साल के लिए ये भी ओमिटेड है, तो डोंट वरी, बट हाँ एक्स्ट्रा प्रोटीन बॉडी को नहीं चाहिए, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट इज लिपिड्स, फैट्स, सर चीज, बटर, घी, सर मजा आ जाता है, मजा नहीं लाइफ, तो फैट्स किससे बनते हैं बच्चों, जब फैटी एसिड्स और अल्कोहल शादी मनाता है आपस में, बॉन्ड बनाता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है, साथ में आता है, क्यों न जाने आसपास है खुदा, क्यों न जाने आसपास है खुदा, तो जब फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल बॉन्ड बनाता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है, तो इट गिव राइज टू फैट्स, बच्चों अभी फैट्स की क्या खास बात है, तो बच्चों अब ये फैटी एसिड की तारीफ की जाए, तो तारीफ में मैं दो बातें कहूंगा बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड दैट फॉस्फोलिपिड इज मेड फ्रॉम फैटी एसिड्स, सेल में एक मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, और वो लेयर जो बच्ची बनती है दैट इज मेड फ्रॉम फॉस्फोलिपिड, नाम से मालूम पड़ता है लिपिड, लिपिड फैट, राइट, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स व्हिच इज मेड फ्रॉम फैटी एसिड्स, तो यहां पर काम आता है, उसके बाद लड़कों में दाढ़ी आना, एक आवाज आनी, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ का कैरेक्टर का इंक्रीज होना इवन फीमेल्स में, ये सब हॉर्मोन्स बच्चों फैटी एसिड से बनता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, ये सब हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ, बियर्ड फॉर्मेशन इन मेल, बॉयज हैवीनेस होना, हेयर ग्रोथ, ऑल दिस थिंग्स, प्रोजेस्टेरॉन इन, एस्ट्रोजन इन फीमेल, ये सब जो हॉर्मोन्स है बच्चों, ये सब फैटी एसिड से बनता है, उसके बाद
न्यूरॉन की जो कवरिंग है उसको माइलिन शीथ बोलते हैं। शीथ मतलब वो फैट से बना होता है। न्यूरॉन की जो कवरिंग है माइलिन शीथ, इट इज मेड फ्रॉम फैटी एसिड्स। और बच्चों हाउ मच एनर्जी डू यू गेट फ्रॉम फैट्स? प्रोटीन का 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी, लेकिन फैट्स के 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी। सर 9 किलो? यस, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, रिच सोर्स। लेकिन मां मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मां अगर बॉडी में एक्सेस हो गया, फैट्स बढ़ गया, तो ये स्टोर हो जाता है इनटू एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। देयर इज अ टिश्यू इन योर बॉडी, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, एक्सेस फैट्स हमारा स्टोर हो जाता है। बट लेट मी टेल यू बच्चों, रिवीजन क्लास में एक बार बता देता हूं, एक्सेस ऑफ लिपिड्स इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, इट कैन रिजल्ट इनटू हार्ट अटैक समडे। सो ज्यादा फैट होना अच्छी बात नहीं है बच्चों। तो यहां पर हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा, लिपिड्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा, और एक्सेस ऑफ लिपिड्स किधर स्टोर करते हैं? एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों विटामिंस की। अब 6 मेजर टाइप ऑफ विटामिंस होता है, ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के। इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 टाइप्स, एक जो फैट में घुल मिल जाता है, एक जो वाटर में घुल मिल जाता है। एक तो फैट सोल्यूबल, एक तो वाटर सोल्यूबल, एक तो फैट सोल्यूबल, एक तो वाटर सोल्यूबल। अब फैट सोल्यूबल के लिए ट्रिक है बच्चों, एडैक, 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 विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट्स में घुल मिल जाते हैं। और जो पानी में घुल मिल जाते हैं वो है विटामिन बी सी, विटामिन बी सी, विटामिन बी सी, विटामिन बी सी, विटामिन बी सी। अब जो पानी में घुल मिल जाते हैं वो बाहर से कभी कभी उसकी कमी हो जाती है बहुत ज्यादा बॉडी में, क्योंकि पानी में डिसॉल्व हो रहे इजिली। और ये विटामिन बच्चों इवन दो दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ प्रोसेसेस, डाइजेशन, ब्लड क्लॉटिंग, बहुत सारी चीजों में इसका इंपॉर्टेंस है विटामिन्स का। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मछली नहीं, पानी, पानी ना पियू तब तक दिल में चैन नहीं आता। एक दिन में बिना पढ़ाए रह सकता हो, एक दिन में बिना पढ़े रह सकता हो, एक दिन में बिना तारक मेहता के रह सकता हो, एक दिन में बिना उसके रह सकता हो, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता बच्चों। क्योंकि पानी जीवन है बच्चों। कैसे जीवन है? तुम्हारे बॉडी का 70% पानी तो है, तुम्हारे ब्लड में 90% पानी ही तो है, तुम्हारे सेल में बाय वेट 70% पानी ही तो है। अगर पानी नहीं पियोगे बच्चों तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी बच्चों, राइट? सो इसलिए पानी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। एक और चीज है, फाइबर्स। अब फाइबर्स जो है बच्चों, तुम्हारे पेज नंबर 17 पे दिखेगा तुमको, तुम्हारे जो भी लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सीरियल्स है, वो सब आर द रिच सोर्स ऑफ फाइबर्स। ये फाइबर क्या करता है बच्चों, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो जिसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उनको प्रेशर लगा करके डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है बच्चों। तो ये है फाइबर्स के बारे में। तो अब जो मैंने आपको बताया अब तक बच्चों, दैट इज अबाउट लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पेज नंबर 16 एंड 17 के मैंने आपको बताया। वीडियो देखो बच्चों, समझो, आनंद लो, लेकिन तभी के तभी लर्न भी कर दो बच्चों, वरना सोना नहीं है आपको। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एनीवेज, वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, द एंटायर पॉपुलेशन कुड बी एज लार्ज एज स्मॉल क्यूब इफ देयर इज नो स्पेस बिटवीन एटम्स। एटम्स बहुत खाली जगह है, अगर एटम्स में सब खाली जगह निकाल दी जाए और दुनिया भर के सभी एटम्स को जोड़ दिया जाए, तो पूरा का पूरी दुनिया एक आइस क्यूब में शुगर क्यूब जितनी भी नहीं होगी बच्चों, इतनी छोटी होगी। ओके, सो अगर रिविजन करना हो, प्रोटीन फ्रॉम डैश इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन, सो प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, फ्रॉम एनिमल्स इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन। अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेंड आफ्टर डाइजेशन ऑफ, आफ्टर डाइजेशन ऑफ, याद करो, प्रोटीन्स। प्रोटीन इज प्रेजेंट इन बोन, ऑसिन। इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, एनर्जी ऑब्टेंड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरी,
एक्सेस ऑफ लिपिड स्टोर्ड इन, ये ऑप्शन गलत है बच्चों, एडिपोज टिश्यू ऑफ योर बॉडी एंड इट सेल कंटेन्स 70% ऑफ वाटर बाय वेट एंड ब्लड कंटेन्स 90% ऑफ वाटर बाय वेट. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट पेज नंबर 16 एंड 17 पार्ट वन. एंड पार्ट टू में हम बात करेंगे बच्चों आगे की, हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल वगैरह सब की बात करेंगे, हम सेलुलर रेस्पिरेशन की जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, तो प्रॉपर एनिमेशन के थ्रू अपन उसको पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा. बट ये वाला पार्ट, सेकेंड वाला पार्ट करने से पहले पहले वाले पार्ट को लर्न करना, उसको समझना, फिर ही आगे बढ़ना.